हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित का स्वागत करता हूँ हरियाणा एग्जामिनर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की दो वीडियो आ चुकी हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि बेसिक चीज़ें सिखाई थी क्या क्या, जैसे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देखे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। फिर जो दूसरी वीडियो आई थी उसमें ज़बरदस्त ट्रिक का यूज किया गया था। उसमें एक तो प्रश्न था कि जिसमें जैसे 20 रुपये की वस्तु खरीद कर 25 की बेच दी, और फिर एक था जैसे 33 वस्तुएं बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। उसकी ट्रिक थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ, बड़ी अच्छी ट्रिक है। वो किया गया इस तरीके से था कि अगर क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि है तो नो चेंज था, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ था तो घटा देंगे और हानि था तो जोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप बड़ी अच्छी अच्छी टाइप करेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में बड़े ध्यान से करें, नोट्स बिल्कुल साफ साफ बना लेंगे। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 रुपए के 12 की दर से, एक दुकानदार 10 रुपए के 12 की दर से फल खरीदता है, तथा 5 रुपए के 8 की दर से बेचता है, तथा 5 रुपए के 8 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है, 10 रुपए के 12 की दर से खरीदता है और 5 रुपए के 8 की दर से बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है भाई, देखो खरीदे क्रय मूल्य है 10 रुपए के 12 की दर से, कितने खरीदे हैं 10 रुपए के 12 की दर से, और बेचे कितने हैं, बेचे हैं 5 रुपए के 8 की दर से, बेचे हैं 5 रुपए के 8 की दर से। एक बात बताओ भाई मेरे को, जैसे मैं एक बात बोलूं, आज सुबह एक केले वाला 100 रुपए के 4 दर्जन केले खरीद लाया, 100 रुपए के 4 दर्जन केले खरीद लाया, और दोपहर तक उसने क्या किया, 100 रुपए के 3 दर्जन केले बेच दिए, दोपहर तक 100 रुपए के 3 दर्जन केले बेच दिए। क्या मैं कह सकता हूं कि उसे लाभ हुआ, नहीं कह सकता। देखो हालांकि रुपए बराबर है, एक दर्जन केले बचे भी हैं, क्या पता ना बिके, बंदर उठा ले जाए, नाले में गिर जाए, फिलहाल नहीं कह सकता। मतलब एक बात निकली यहाँ से कि भाई प्रॉपर लाभ और प्रॉपर हानि तब तक नहीं बता सकता पूरा का पूरा जब तक जितने खरीदे थे उतने बेचना थे। कहने का मतलब खरीदे गए और बेचे गए की संख्या बराबर होनी चाहिए, बस इसी बात पे प्रश्न है। देखिए भाई 10 के कितने खरीदे हैं 12, 10 के बेचे कितने हैं 5 के 8। पहले इन दोनों को बराबर करो, इन दोनों को कैसे बराबर करोगे, आर पार गुणा कर दो तो भी बराबर, या अगर किसी कॉमन संख्या में बराबर हो रहे हैं तो बराबर कर दो, मतलब एलसीएम पे। तो भाई मैं क्या करूँगा, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, मैंने बराबर कर दिया, मतलब क्रय मूल्य हो गया 10 गुणा 2 20 रुपए के खरीदे हैं कितने 24, ठीक है। और भाई बेचे की बात करूँ, अगर 3 से करूँगा 5 तिए 15 के 24, अब बताओ कितने का नुकसान हुआ, नुकसान हुआ भाई 5 रुपए का, हानि हुई 5 रुपए की, और कितने पर हुई है, क्रय मूल्य कितना है 20, तो 5 बटे 20 गुणा 100, 5 का 20, 4 पे कितना आंसर आ गया 25%। उतार लेंगे दोस्तों, 10 रुपए के 12 खरीदे हैं और 5 रुपए के 8 बेचे हैं, तो खरीदे गए और बेचे गए की संख्या बराबर करनी है, और संख्या बराबर करते ही क्वेश्चन खत्म, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, इरेज कर रहा हूं इसे मैं,
टीसी का है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड फोरम है, थोड़ा सा अपर लेवल कह सकता हूँ पर्सन है। एक दुकानदार 3 रुपए के 4 की दर से फल खरीदता है तथा उतने ही फल 4 रुपए के 3 की दर से बेचता है, सॉरी उतने ही फल 4 रुपए के 3 की दर से खरीदता है और दोनों को 10 रुपए के 8 की दर से बेचता है। थोड़ी सी स्टेटमेंट को बढ़ा लिया, दोनों को मिलाता है और 10 रुपए के 8 की दर से बेचता है। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, 3 रुपए के 4 की दर से खरीदे, ठीक है, 4 रुपए के 3 की दर से खरीदे और दोनों को मिलाया और 10 रुपए के 8 की दर से बेच दिए, ठीक है भाई। थोड़ा सा एक लाइन इसमें बढ़ा दी गई है, देखते हैं। खरीदे कितने के, 3 रुपए के, कितने भाई, 4। एक और खरीदे हैं कितने, 4 रुपए के 3। अब एक बात देखें, छोटे छोटे वर्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है। बोला है उतने ही फल, अब क्या ये उतने ही हैं? नहीं, तो पहले उतने ही मतलब बराबर करूंगा। बराबर कैसे करूंगा, आपस में गुणा करूंगा। बराबर करने के 2 तरीके हैं, या तो आपस में गुणा कर दो या उनका एलसीएम निकाल के उनके एलसीएम तक पहुंचा दो, ठीक है भाई। अब खरीदते ये देखो, इसकी अगर 3 से करोगे तो इसकी भी 3 से, और इसकी 4 से करोगे तो इसकी भी 4 से। 3 दिया 9, 4 दिए 12, इसकी करोगे 4 चौके 16, 4 दिए 12। अब पता चला कि 25 रुपए के 24 खरीद लिए, क्या भाई 25 रुपए के 24 खरीद लिए, ये खरीदे हैं। और अगर बेचे की बात करूं तो 10 रुपए के 8 बेच दिए, 10 रुपए के 8 बेच दिए। अब पिछले वाला प्रश्न आया कि भाई खरीदे और बेचे की संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो इसकी गुणा 3 से, इसकी भी 3 से। तो देखो खरीदे हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं, जो खरीदे हैं वो हैं मेरे भाई 25 रुपए के 24, और जो बेचे हैं वो हैं 30 रुपए के 24। अब देखो 25 के 24 खरीदे और 30 के 24 बेच दिए, कितने का लाभ हुआ, 5 का। कितने पर हुआ, 25 पर गुणा में 100, 25 चौका 100, 500 का 20% आंसर। उतार लेंगे क्वेश्चन को, मैं दोबारा एक बार फिर बताऊंगा स्पीडली थोड़ा सा। देखो भाई 3 के 4 खरीदे, दोबारा 4 के 3 खरीदे, दोनों को मिलाया और 10 रुपए के 8 बेच दिए। तो 2 बार खरीदते हैं, 1 बार बेचे हैं, तो पहले मेरे को जो खरीदे गए हैं वो वाले बराबर करने हैं, उसके बाद बेचने वालों के साथ बराबर करूंगा। डायरेक्ट जोड़ दोगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। हाँ जी, 3 के 4 खरीदे, ठीक है, 4 के 3 खरीदे, दोनों को बराबर कर दिया, आपस में गुणा कर दी, गुणा करती 3 3 9 के 12 खरीदे, 4 4 16 के 12 खरीदे, जोड़े 16 9 25 के 24 खरीदे, बेचे हैं 10 के 8, तो बेचे वालों को बराबर कर दिया, 3 से गुणा कर दी, 8 3 24 10 3 30। अब देखो 25 के 24 खरीदे, 30 के 24 बेच दिए, कितने का लाभ हुआ, 5 का हुआ। कितने पर हुआ, 25 पर गुणा में 100। क्लियर है ये वाला, यहाँ तक बहुत अच्छा टाइप है, आने के अच्छे चांस है प्रश्न के। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं,
इरेज कर रहा हूँ मैं इसे, नेक्स्ट टाइप है। कैसी है दूरियां, कोई हल ही नहीं। देखो जी नेक्स्ट टाइप है, पर्सन है भाई 10 रुपए की, 10 रुपए की 25 वस्तु बेचने पर, 10 रुपए की 25 वस्तु बेचने पर क्या लिखते चलो ये लिखते हैं, 25% की हानि होती है। हो सकता है स्टेटमेंट अपने पास से बना रहा हूँ कि आंसर आपका बटे में आ जाए। 10 रुपए की 25 वस्तु बेचने पर 25% की हानि होती है, 10 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगी 25% का लाभ हो। देखो जी 10 रुपए की 25 वस्तु बेचने पर 25% की हानि है, 10 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगी 25% का लाभ हो। अब जो मैंने आपको प्रश्न बोला है उसमें रुपए बराबर है, जो प्रश्न बोला है उसमें रुपए बराबर है, तो फिलहाल सीधी सी बात है जो नेक्स्ट टाइप रहेगा उसमें पैसे रुपए बराबर नहीं होंगे। तो करना क्या है, 25 वस्तु बेचिए, लिखो वस्तु गुणा में, उतारियो मत साथ साथ, पलक भी मत झपक करने देना, एकदम से पर्सन हो जाएगा। देखो भाई 25 वस्तु बेचने पर 25% की हानि, अगर 25% की हानि है तो क्या मैं कह सकता हूँ उन्हें 75% की मत वसूल कर ली, सीधी बात है। अब अगर 25% का लाभ कमाना है तो क्या कह सकता हूँ 125% की मत वसूल कर ली, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 15 पंजे 75, कितना उत्तर आ गया 15, आंसर बात खत्म। बड़ी बात, क्या करना है, वस्तु गुणा में जो प्राप्त हो रहा है बटे में जो करना चाहते हो। अब भाई रुपये को तो इग्नोर कर दिया, 25 वस्तु बेची है तो 25, अब 25% की हानि होगी तो 75 मिला, 25 का लाभ कमाना है तो 125 कमाना है, उसके बाद 25 पंजे 125, 15 पंजे 75, आंसर कितना आ गया 15, बात खत्म। उतार लेंगे, एक प्रश्न और देखते हैं ऐसा ही सेम। इरेज कर दो, एक और देख लो भाई ऐसा ही, उसके बाद थोड़ा सा इसकी टाइम को बढ़ाऊंगा, रुपये अलग अलग बोलूंगा। प्रश्न है, क्या है, 1 रुपये में 6 टॉफी बेचने पर, 1 रुपये में 6 टॉफी बेचने पर 20 ले लेते हैं, अब की बार 20% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगी, कुछ भी ले सकते हो, मैं सेम ले रहा हूँ, अलग अलग लोग हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्वेश्चन पे, 20% का लाभ। देखो भाई सबसे पहले तो रुपयों को इग्नोर, अब 6 टॉफी हैं, 6, 20% आनि साथ साथ बोलो, बोलोगे तो प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। 20% आनी मतलब कितना वसूल कर लिया 80, 20 लाभ मतलब कितना वसूल करना 120, 0 से 0, 6 × 12, 2 × 4, कितना आंसर आ गया 4। ठीक है दोस्तों, बड़े अच्छे जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और अगर किसी खास टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट टॉपिक वही स्टार्ट कर दूंगा, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से जैसे मैं क्लास में कराता हूं वैसे ही आपके चैप्टर में चलाता रहूंगा। हाँ मैथ पूरा डाल दूंगा।
नेक्स्ट पर्सन है अब मैं रुपए थोड़े से अलग अलग कर रहा हूं भाई पर्सन है जी एक सौ चालीस रुपये में 80 पेन बेचने पर 140 रुपये में 80 पेन बेचने पर 30% की हानि होती है फिर कहता है कि 104 रुपये में कितने पेन बेचे की 104 रुपये में कितने पेन बेचे की 30% का लाभ हो 104 रुपये में कितने पेन बेचेगी 30% का लाभ भाई अब की बार मैंने पैसे अलग अलग उठा लिए रुपये हैं जो वो अलग अलग उठा लिए हैं देखो 140 में 80 पेन बेचने पर 30% की हानि है 104 में कितने पेन बेचेगी 30% लाभ हो सबसे पहले तो रुपयों को तो इग्नोर रुपये जब सेम थे तो इग्नोर किया था अलग अलग हो गए फिर इग्नोर कर दो बाद में देखेंगे बाद की बात तो रुपये को इग्नोर करा देखो क्वेश्चन कराओ 80 गुणा में कितना लिखूंगा 70 नीचे क्या लिखूंगा 130 जीरो से जीरो अठू सतु छप्पन 560 बटे 13 अब अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बोलना चाहूं इसके तरीके से तो स्टेटमेंट क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा 140 रुपए में 80 पेन बेचने पर 30% की हानि है 140 रुपए में 560 बटे 13 पेन बेचने पर 30% लाभ होगा तो ये कितने के हैं 560 बटे 13 कितने के हैं 140 के तो देखो भाई 140 रुपए में बेचे 560 बटे 13 एक रुपये में बेचेगा 560 बटे 13 और बटे में ही आएगा 140 और कितने बेचने हैं 104 जीरो से जीरो 14 चौके 56 13 8 104 8 चौके 32 आंसर बात खत्म ठीक है भाई हो जाएगा उतार लेंगे इसे और एक और स्टेटमेंट देखते हैं एक प्रश्न और देख लेते हैं ऐसा ही सेम प्रश्न ये उतार लेंगे प्रश्न है 40 रुपए में 45 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है तो 24 रुपए में कितने पेन बेचे कि 20% का लाभ हो देखो भाई रुपये अलग अलग हैं रुपये इग्नोर 45 गुणा में 80 बटे में 120 जीरो से जीरो 4 दुनिया 8 4 तीय 12 3 पे 15 15 दुनी 30 ये जो 30 पेन है कितने के आए हैं 30 पेन आए हैं 40 के तो भाई 40 रुपए के आए हैं 30 पेन एक के 30 बटे 40 और कितने के निकालने हैं 24 के जीरो से जीरो 4 छीके 24 6 तीय 18 आंसर क्लियर है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की एक से बढ़कर एक ट्रिक दूंगा मैं आपको लेकिन दूंगा धीरे धीरे तरीके से बहुत अच्छे सोलमेंट स्टेडी विंस द रेस तीन क्वेश्चन तीन टाइप आ गई है इसकी आज का टाइप मैं इसी ट्रिक पे समाप्त कर रहा हूँ इसमें आपको मैंने दो टाइप के प्रश्न करवाए हैं तीसरी वीडियो में बहुत ही धासु ट्रिक के साथ वापिस आऊँगा तब तक वेट करते रहिए और देखते रहिए हरियाणा कैंपस की वीडियो फिर मिलते हैं भाई ब्रेक के बाद थैंक यू